नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बचपन वाली टेस्टी सी ठंडी ठंडी मीठी मीठी कोल्ड ड्रिंक, जिसको मिनटों में घर पर बना लिया जाता है। तो चलिए रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छी लगे, बचपन की याद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ये ठंडी ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक अगर अच्छी लग रही है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है चीनी, चीनी के साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू। तो आप चीनी और नींबू को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बनने वाली है सिकंजी, खट्टी मीठी, तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा टेस्टी भी और हेल्दी भी, जो हमें लू लपट से भी बचाती है और हमारे पेट को ठंडक भी देती है। तो गर्मियों में हर किसी ने बचपन में इसको पिया होगा, सभी की मम्मी ने इसको बनाकर जरूर दिया होगा। तो चलिए आज वही सिकंजी मैं घर पर बनाने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मैंने एक गिलास नॉर्मल पानी लिया है, यहाँ पर मैं चार गिलास बना रही हूँ, और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, पर ये थोड़ी सी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। तो मैं एक गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी ऐड करूँगी, उस हिसाब से यहाँ पर हम डाल लेंगे। अभी मैंने एक गिलास पानी लिया और चीनी डाल ली है, नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी मत लीजिएगा वरना चीनी घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। डालने के लिए मैं इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकती थी, पर आज मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के हाथ वाली सिकंजी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसी तरीके से बनाना शुरू किया है। जब भी मेहमान आ जाते थे तो घर में हमेशा सिकंजी बना करती थी, क्योंकि तब तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह इतनी ज़्यादा मार्केट से आती नहीं थी, और अब तो कोई भी आया तो हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी को घोल लिया है चम्मच की सहायता से बिल्कुल देसी अंदाज में। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू, यानी कि नींबू का रस। तो 4 गिलास सिकंजी है, 1 गिलास में आधा नींबू, पर्याप्त खट्टा हो जाएगा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अच्छे से 2 नींबू लिए हैं और उनका रस बढ़िया से इसमें निचोड़ दिया है, ये देखिए। और ये नींबू छिलके रख लीजिए, आपको तांबे वगैरह के बर्तन धुलने में भी काम आ जाएगा। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं काला नमक 1 चम्मच, काले नमक से अच्छा सा टेस्ट आता है, और मैंने ये डालते हुए हमेशा देखा है मेरे घर में, इसलिए मैं इसको डालकर बना रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है सिकंजी में। तो नमक डालकर, नींबू डालकर इसको बढ़िया से चम्मच की सहायता से घोल देंगे, ये देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ठंडा पानी, पहले हमने नॉर्मल पानी लिया था, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड वाटर ले रही हूँ, और उसको हम डाल देंगे जितने गिलास भी हमें बढ़ाना था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 3 गिलास ले लिया है, और ये देखिए बनकर रेडी हो गई है टेस्टी सी झाग वाली सिकंजी। अब इसको हमें सर्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा वही मार्केट वाला सिकंजी का फ्लेवर लेकर आते हैं ना घर पर ही, तो ये मैंने डाला काला नमक 1 चम्मच, ऊपर से डाल देंगे यहाँ पर हम ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, बस इससे बढ़िया सा डेकोरेशन हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम करेंगे। डालने के लिए आप बहुत ज़्यादा रेड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में डाला है, और ये नमक बेकार भी नहीं जाएगा, आप इसको उठाकर रख दीजिए डिब्बी में, आपके वैसे सलाद वगैरह में काम आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ये कांच के गिलास लिए और उनकी किनारियों पर लगा रही हूँ मैं ये जो नींबू मैंने रस निचोड़ा था ना सिकंजी में, उसी छिलके को इस तरह से लगा देंगे, और ये देखिए इसमें इस तरह से घुमा दीजिए बढ़िया सा, तो ये लाल मिर्ची और नमक अच्छे से चिपक जाएगा, देखने में बढ़िया सा लगने लगेगा, और जब आप सिप लेंगे तो खट्टी मीठी नमकीन सी सिप आएगी सिकंजी की। तो देसी सिकंजी को ये लीजिए, इंजॉय कीजिए, यहाँ पर ग्लास रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिकंजी में मैंने नींबू निचोड़ लिए थे, ये पुदीना की लीप्स है, आपको पसंद है डालिए, नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, पर मैं डाल रही हूँ क्योंकि हल्की सी अच्छी लगती है। जब हम सिकंजी पीते हैं ये पुदीना के पत्ते वाइट में जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, और पुदीना ठंडा भी होता है पेट के लिए, आप डाल सकते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये लीजिए 2 गिलासों में मैंने डाल दिया। अब इस सिकंजी को हम छान लेंगे, उसके बाद इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे।
वैसे पानी बहुत ठंडा है, फिर भी अगर आपको डालना है तो आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं ऊपर से, पर ये सिकंजी पर्याप्त ठंडी है। तो मैंने छान लिया ताकि बीज वगैरह हट जाएं, और ये लीजिए ग्लास भर लेते हैं बढ़िया से। ठंडी ठंडी सिकंजी यानी कि कोल्ड ड्रिंक बनकर रेडी हो गई है घर में, और इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से कोई भी मना नहीं करेगा घर में। तो आप चाहे जितने ग्लास पीजिए, ये सेहत को फ़ायदा ही पहुँचाएगी, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो फटाफट से एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है ना इस टेस्टी सी सिकंजी के लिए। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से आइस क्यूब डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना हो, एकदम से सिकंजी बाहर ना आ जाए ग्लास से। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, और ये हमारी ठंडी ठंडी सी सिकंजी यानी कि मम्मी के हाथ वाली कोल्ड ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसको गर्मियों में एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को दीजिए, वो लू लपट से या खेल कर बाहर से आते हैं ना, तो उन्हें ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी।